अबे बहन, हाँ ये पैसे मेरे को दे देना। क्यों, ये पैसे मेरे हैं, मैं तुझे क्यों दे दूँ? अरे पगली देख, ये पैसे है ना हम दोनों इकट्ठे किए थे गुल्लक में। हाँ तो गुल्लक टूटती है तो उस भी मेरा कुआ ना, मैं तेरे से बड़ा हूँ ना। अच्छा तेरे को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मम्मी क्या बोलती है कि जब भी घर में गुल्लक फूटती है ना तो उसके पैसों का हक बेटी का, बेटी का। बात सुन, मेरे पंडित ने मेरा हाथ देख के बोला था कि मेरे हाथ में खून लिखा है। अच्छा तो मेरे पंडित ने भी मेरा हाथ देखकर ये बोला था कि मेरे हाथ में उसी खूनी का खून लिखा है। तू ऐसे नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं। तेरी मुंडी ऐसे मरोड़ दूंगा, ऐसे। कैसे? ऐसे। मैं फिर ये पैसे नहीं दूंगी। तू नहीं देगी? नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे भारद्वाज जी, अरे मिसेज भारद्वाज, अरे कहाँ आप लोग? अरे आपके बच्चों ने मेरा फिर से जीना हराम कर दिया। अरे मेरी मेरी कार का शीशा फिर से तोड़ दिया। अरे भारद्वाज जी, ये बैठे दोनों के दोनों शैतान। बोल रही है देखो गधे के बच्चे परी की औलाद अभी भी लड़। हेलो, ओहो इतने संस्कारी इतने सुंदर मम्मी के बच्चे, आज तू क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग? कुत्ते कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। कुत्ता बिल्ली होता है वो। I'm joking। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाया नहीं कि कोई घर पे आता है तो नमस्ते करनी चाहिए? ओए माँ। सॉरी सॉरी, नमस्ते चड्डी अंकल, नमस्ते। ठीक है बेटा, जीत रहो। आप बताओ क्या बात हुई? अरे अंकल जी ये बात बताओ, घर में अगर कोई गुल्लक टूटती है तो गुल्लक के पैसों पर लड़कों का हक होता है क्या? नहीं बेटा, टेक्निकली तो आपका हक बनता है उसके ऊपर, आप बड़े इसलिए। बट क्या? बट हाँ बता रहा हूँ, बट इस लड़के का हक क्योंकि आपकी बहन है, इसका बनता है, सारे पैसे इसको दे दो आप। चल घटी अंकल बकवास कर रहे, चल बेटा कन्या माता है, कन्या माता होती है उसको दे दो। इसी बात भी याद है, तुम्हारी माता मतलब मम्मी कहाँ है? मम्मी तुम्हारी बेटी कहाँ है? आई एम जोकिंग, आई एम भी जोकिंग। बेटा फिर भी बात देखो बहुत गंभीर है, आप लड़ाई मत करो, तुम्हारा सोल्यूशन मैं लेगा। सोल्यूशन? बेटा ऐसा है, एक काम करो ये पैसे आप मेरे को दे दो, एक मिनट, ये पैसे मेरे को, मैं बांटेंगे ना बेटा आप में से, आप में से बांटेंगे ना। वाह वाह वाह, पूरे पूरे पैसे है। बेटा एक काम करो, अब इनको बताऊंगा मेरे को परेशान करने का मतलब क्या होता है। बहन ये क्या सोच रहा है? पता नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बड़बड़ा रहा है। मैं वही बता रहा था बेटे, ये पैसे किसको चाहिए पूरे पूरे? मुझे को। दोनों में से किसी को मिलेंगे, बट एक कंडीशन है। तो बताओ ना, जल्दी बताओ। तू मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा, मैं अपने घर पे ऑर्गेनाइज करूंगा, जो जीतेगा सारे पैसे उसके। और बेटा इतना सोचो नहीं, हाँ बोलो हाँ, तो कल सुबह 11:25 पे चटा साहब के घर आ जाना। ठीक है मैं जा रहा हूँ, और सुनो अपनी मम्मी को बाय बाय कहना। और अंकल जी सुनो, अपनी बेटी को मेरी तरफ से आई लव यू बोल देना। आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग। बाय बाय बेटा, बाय। तेरे को क्या लगता है? पैसे मेरे होंगे। मेरे होंगे? मेरे मेरे मेरे। चल चल चल, चड्डी के घर पे चलते हैं। चल चल। बच्चों में गुब्बारे वाला अपने संग गुब्बारे लाया। अब पता लगा ना बच्चों को, बड़ा बेवकूफ समझ रहे थे मेरे को, परेशान करके रख दिया था। अब पता लगा चड्डा साहब है कौन है। सारे पैसे ले लूंगा उनके। कहाँ गए बच्चे? आते ही होंगे यार। टाइम बहुत हो गया यार। आ गए। बड़े टाइम के पाबंद बेटे हैं बेटे। देखो मैंने तुम्हारे लिए आज एक बहुत सरप्राइज रखा हुआ है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें भी चाहिए ना। हाँ। पर यहाँ पर एक कैच है। कैच?
मतलब कैच मसाला? बेटा बहुत मजाक करते, कैच का मतलब एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, दोनों में से किसी एक को पैसे मिलेंगे। ओ अंकल, ऐसे कैसे एक को मिलेंगे? हाँ, मेरे को मिलेंगे पैसे। अरे तो हो गया ना डिसाइड कि मैं जीतूंगी, मतलब पैसे मुझे मिलेंगे, सिंपल। लड़कियां ज्यादा समझदार होती है, दूध पिया करो बेटा, दूध पिया करो। बेटा सामने आपको बलून दिख रहे? ऑफ कोर्स दिख रहे हैं, हम अंधे थोड़ी हैं। वेरी गुड बेटा, आपके पैसे इन पांचों सातों में से किसी एक में। अच्छा। और आपको क्या करना है, कान खोल के सुन ले, तेरे दिमाग में कुछ नहीं है। आपको ये करना है, आपको उस बलून को फोड़ना है, और अगर पैसे निकल गए तो पैसे उस बंदे के जिसके बलून फोड़ने से निकलेंगे। अभी फोड़ दूँगा कि? रुक जा, मैंने कहा था ना इसको दूध पिलाया कर, ट्विस्ट अभी बाकी है। ऐसे बोल रहा जैसे इसने ना हमारे घर पे भैंस बांध रखी है। इसको चुप करा लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आई एम जोकिंग। बच्चे देखो ऐसा कैच ही है, अगर तुम ही फोड़ लोगे तो मजा क्या आएगा। तुम्हारे लिए सेलेक्ट ये करेगा कौन सा बलून फोड़ना है, और आप इसके लिए सेलेक्ट करोगे कौन सा बलून फोड़ना है, और जिसमें भी पैसे निकल गए वो पैसे उसके हो जाएंगे। मतलब सबके अंदर पैसे हैं? अरे बेटे सब में पैसे कैसे हो सकते हैं, पैसे एक में ही है। फिर बाकी के बलून में क्या है? ये तूने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, बाकी के बलून में तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज मतलब इनमें टॉफी, चॉकलेट, मोमोस, चाउमीन, बर्गर सब कुछ है। अरे बेटा इसमें मोटरसाइकिल भी है। आई एम जोकिंग। तो शुरू करे। हाँ। तो डिसाइड कर लो पहले कौन जाएगा। मैं जाऊंगा। चुप करो यार, यहाँ पे लड़ते रहते हो यार, इतना बढ़िया कंपटीशन हो रहा। सुनो मैं डिसाइड करता हूँ, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे, 100-100-100। लड़की जीत गई। पता बताओ बेटे कौन सा बलून फोड़ना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला। फर्स्ट वाला? यू। ठीक है जा रहा हूँ। माता रानी प्लीज इसमें मोमोज निकलवा देना। ये सारे बलून मैं फोड़ दूंगा, मतलब ये वाला बलून, और पैसे मेरे होंगे। क्यों अंकल, नक्शे डीसी कैसे देख रही है? लेकिन इसे फोड़ू कैसे? अरे बेटा वो बड़ी झाड़ू, उसे फोड़ दे। अपने दिमाग से फोड़ ले इसे। अरे अंकल जी डोंट वरी, थैंक यू। दिमाग नहीं है इसमें। अभी सारे के सारे पैसे मेरे। तेरे ही है बेटा, तेरे ही है। अब देखियो नक्शड़ी, तू फोड़ दू ना। फोड़ दे। कांटा निकल गया, वो भी सिर पे, देख रहे हो? अरे अंकल कहाँ इसमें पैसे? यही तो था सरप्राइज बेटे। आजा 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 आजा। अंकल जी आपने ठीक नहीं किया। तूने कौन सा ठीक किया था मेरे साथ? अच्छा सुन, अब दूसरे की बारी है। अब मेरी बारी है, अब ये जाएगी। हाँ बेटा ये ही जाएगी, चलो आप सेलेक्ट करो। क्या मैं जाऊँ? बस सेलेक्ट तो करने दे बेटे। अच्छा तू फोड़ेगी दूसरे नंबर का बलून। वह दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का मतलब पैसे उसमें हो सकते हैं। हाँ। मैं जा रही हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। थैंक यू अंकल। नहीं है। जाओ। मेरी तरफ बना आशीर्वाद। हाँ बेटे हाँ, तेरी तरफ तो है। फोड़ दो। फोड़ दे। फोड़ देती हूँ, मैं भी झाड़ू से ही फोड़ूंगी। आज तो सारे बलून फोड़ दूंगी, सारे सरप्राइजेस ही मेरे, और सारे पैसे भी मेरे। हाँ दिमाग तो है ही मेरे अंदर, लड़की जो हूँ मैं। कर दूँ ना पक्का। 1-2-3 एक सेकंड। अरे यार इसमें क्या था, मेरी तो खुजली होने लग गई। अरे अंकल जी मेरे को तो बता दो इस बलून में क्या था। बेटे इसमें पाउडर तो था। कुंडली वाला? क्या? ए भगवान मेरे को तो कुंडली हो रही है मेरे शरीर में। मैं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे
असली खुजली तो हमारे पड़ोस में कुत्ता है, उस कुत्ते को दिया जी खुजली। मजा आ गया बेटे, गुस्सा क्यों करते हो आप? गुस्सा अब तू कर दो आप। एक काम करो, अब आपकी बारी है बदला लेने की। आप कोई फिल्म सेलेक्ट करो, चलो। अरे अरे नहीं बेटे, एकदम साथ में भी कैसे पहुंच गए? तुम इतने अच्छे बच्चे हो, थोड़ा आगे पीछे करो ना, कलर भी बहुत गंदा है वो। कलर तो वो पिंक है, वो मेरा फेवरेट कलर है। नहीं बेटा, आज दूसरा पिंक, आज मंगलवार को नहीं होता। अच्छा चलो, नॉन वेज उतारो। वेरी गुड बेटे, बहुत मैंने कहा लड़की इंटेलिजेंट। जा रहा हूँ ना। अरे अंकल जी, इसमें तो पैसे होंगे ना? पैसे पैसे बेटा, पैसे पैसे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना। जा बेटे, जा जा। देख नक्षड़ी, सारे के सारे पैसे मेरे होंगे, फोड़ दूँ ना। फोड़ दूँ सारे के सारे पैसे मेरे। बहुत सारे पैसे, बिलियनेयर बन जाएगा तू तो इतने सारे पैसे लेके। अब अंकल ये क्या है? मैं आ जाओ बेटे, आ जाओ। आ रहा हूँ। अब पैसे तो दे नहीं, हीरे मोती मिल गए इसको, देखो कितने सारे रंग बिरंगे। अंकल पटाखे छूट गए इसके, पटाखे। बेटे पैसे तो मिले तुम्हें, पर हमें मजा बहुत मिल गया। आ तू। अबे अंकल जी, बहुत हो गया अभी ये। बेटे तू क्यों चिंता कर रहा है? अभी तेरे पास बहुत चांस है, तेरे को नहीं मिले तो इसको थोड़े ना मिल जाएंगे। थैंक यू। तू सेलेक्ट कर ले बेटे। अब मेरी बारी है। यस यस बेटे, सेलेक्ट करूँ ना? सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो। है ये पे ये मैं जल्दी कर, इतने लंबे वीडियो बनाएगा क्या? छठे नंबर का बलून। ओ नहीं, ओ नहीं, मेरे हंसी छूट गई। हर बार में ये फोड़ो वो फोड़ो वो फोड़ो। हाँ, मेरी पसंद चलेगी, मेरी बारी है। नहीं मैं को हंसी आ रही है बेटे, हो सकता बस उसमें जाओ। चल जा, इसकी मत मान। जाओ जाओ, छठे नंबर फोड़। ठीक है बस, तुम्हारे चक्कर में तो कभी पाउडर खा रहे, कभी हीरे मोती बरस रहे ऊपर से। दोबारा आ गई, दोबारा फोड़ती। हे माता रानी प्लीज, मेरे में ना इस बार पैसे निकलवा देना, उसी से खा लूंगी मैं बर्गर चाउमीन, है ना? चल ठीक है, कर दू। फोड़, छह नंबर फोड़। ठीक है कर देती हूँ, पैसे आ जाए। 1 2 3 चली। अरे ये तो पीली पीली हो गई। अंकल जी क्या था इसमें? बेटे इसमें पकोड़े बनाने की मशीन। पकोड़े बनाने की मशीन मतलब? मेरा मतलब है बेसन था बेटे। फिर से पैसे नहीं निकले, ये तो कलर निकल गया, मेरी शर्ट गंदी हो गई। अरे अंकल जी तो लड्डू होके आ रही है। मजा आ गया ना। बैठ 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 भाई, जो भी हमें देख रहा है मैं बता दूं, अगर आपको बाजरोड का मजदूर पकोड़ा लेना है तो हमारे पास है। अरे अंकल तुझे कितने फनी हो। I'm joking. You're only joking. क्यों चिंता कर रहे हो? अभी तुम्हारे पास चांस है उसको बेवकूफ बनाने का, जल्दी से। समझ गई? वेरी गुड गर्ल, मैं लड़की में दिमाग होता है। चलो देखो, मैं फोड़वाऊंगी नंबर 3। अंकल जी इसमें तो पैसे होंगे ना? 3 नंबर पे जाओ, जाओ 3 नंबर पे। जा रहा हूँ। जाओ। पैसे होंगे ना इसमें? पैसे पैसे बेटा। अंकल अगर इसमें पैसे नहीं हो तो देख लेना फिर। जाओ जाओ जाओ। अंकल अगर अब की बार इस बलून में पैसे नहीं मिले ना तो देख लेना, तुम्हारा सारा कच्चा चीटा खोल दूंगा तुम्हारे घर पे जाके मैं, जो पड़ोस में बलाइन मारते हो तुम। फोड़ दो। फोड़ फोड़ फोड़। इसमें तो पैसे ही पैसे होंगे। ए माता रानी, पैसे आ जाए, घूम आऊंगा, ट्रिप मारूंगा एक चिड़ियाघर की।
अबे चड्डा के बच्चे अंकल ये क्या कर रहे हैं, पैसे कहाँ हैं? काय का चैलेंज ले रही है, बलून चैलेंज, बलून चैलेंज। बलून में यार पानी कौन डालता है, बेसन कौन डालता है, खुजली वाला पाउडर, आटा, सब कुछ इसी में डाल रखा है इसने। वेरी ग्रेट अंकल, फिर पैसे नहीं निकले, मेरी तो विश पूरी हो गई। क्या अंकल यार ये? मुझे आपके साथ वो है। क्या है वो? क्या वो? पैसे आए नहीं? वो होती ना सहानुभूति। पैसे बता देना मेरे भाई, मेरे अंकल किस में पैसे हैं? पैसे इन दोनों में से किसी एक। बोरी तो मेरी है। मतलब हम तो मंजिल के करीब है। मतलब बारी मेरी है। अच्छा बेटा बारी बेशक तेरी है, चांस जिसका है। अब मैं अकड़ बकड़ बम्बे को कर दूंगा। अकड़ बकड़ बम्बे को 80-90 पूरे दो दो में लगा भागा, चोर निकल के भागा। कोमल फोड़ेगी 5 नंबर का बलून, मतलब ये पांचवा, मतलब ये ऑरेंज, मतलब ये येलो, पता नहीं क्या है ये फोड़ेगी। जा जाओ बेटे जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है। बाय चांस इसमें पैसे निकल गए तो वो मेरे ना? बेटे तुम्हारे सारे पैसे, तुम्हारे पैसे पहलपुती को। अब चाहो तुम जाओ यार, जल्दी जाओ। पक्का? ठीक है मैं चली जाती हूँ, बाय। तो बेटा सारे पैसे मेरे। हे भगवान, कभी इसके बलून में पैसे निकल जाए और ये मैं ये चैलेंज हार जाऊं। यही बलून है ना, चलो इसमें होंगे। माता इस बार दे देना, फोड़ दो। हाँ फोड़े। ठीक है। 1, 2, 3। अरे अंकल क्या था इसमें? इसके अंदर था वो जो गाय देती है ना। गाय क्या देती? गोबर? नहीं वो जो भैंस भी देती है। मतलब पोटी? अरे नहीं, जो बकरी भी देती है। बिंगन? अरे दूध 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 तो बेटा। अरे अंकल जी तुसी कितने हेल्थी हो। दूध ही फट चुका लगता है। हाय आजा आजा आजा। क्या लग रही है? वाह भाई वाह भाई वाह। इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ गया। अथू इरशाद इरशाद सबके लिए। देखिए दूध में चावल डालने से खीर बनती है। वाह भाई दूध में चावल डालने से खीर बनती है। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी तकदीर बनती है। जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब करें। अरे अंकल जी ये खीर कहाँ बनी? ये तो कड़ी चावल बन गई। मैं वैसे कर रहा हूँ, उसमें दिमाग नहीं है। अबे करे तेरे अंदर तो मेरे से भी तेरा दिमाग है। अंकल जी अब बारी मेरी आ गई, मतलब ये पैसे मेरे। बेटा इतना चालू बनने की जरूरत नहीं है, बच्ची की तरफ देख, छोटी बच्ची की तरफ देख, दिखने दिखने में बच्ची लगती है। मैं इंडस्ट्री प्रसाद नहीं कर सकता। इसकी कितनी खूबसूरत मम्मी है। सॉरी सॉरी आई एम जोकिंग। इसकी मम्मी भी मेरी मम्मी हुई। आई एम जोकिंग। मैं हूं कर दे बेटे। यू आर नॉट जोकिंग। मैं कर दे बेटे कि 3 बलून आपने फोड़ लिए, 3 बलून आपने फोड़ लिए, अब बच गया एक। अब किसी एक को चांस नहीं मिलेगा, दोनों को चांस मिलेगा। दोनों जाओ फोड़ो और पैसे बांट ले जाओ। अंकल जी आप कितने अच्छे हो। चुप गया बहन। सुन लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं, पर वैसे इस चैलेंज में आ रहा है मजा। हाँ ये तो सही कह रहा है। हाँ बोल। 60 मेरा 40 तेरा। नहीं नहीं भाई नहीं, 50-50। चल ठीक है चल ठीक है। दोनों भाई मिल बांट के फोड़ेगी। ठीक है 3, 2, 1 go! पैसे मेरे। ये पैसे है ना? 500 का कूपन, मतलब ये ऐसे कैसे नोट आने लगे बहन? फुल ऑफ फन चुरन लेबल
फूलो फन चूरन लेबल, अब ये तो नकली है। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा था। अबे चिट्टी अंकल, मतलब चिट्टा अंकल, छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे साथ ऐसा क्यों किया? चड्डी का बच्चा मेरे 2000 रुपए का आ गया। लोकेश कुछ तो दिमाग लगा। आइडिया कोमल। अरे चड्डी अंकल, आपकी कैप तो बहुत प्यारी है, कितने की लेके आए? ये कश्मीर से लाया था 500 रुपए की। अंकल मैंने ये पूछ रही थी कि आपका ये चश्मा कितने का है, ये ना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और कितने का है ये चश्मा? ये मैं दुबई से लेकर आया था 2500 रुपए का। 2500? मतलब चश्मा इज 2500, कैप हो गई 500, टोटल 3000। कोमल नहीं 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 हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे दोस्तों? आप सबको कैसा लगा बलून चैलेंज भाई वर्सेस बहन? आपको चैलेंज का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो को दबा के शेयर करें। लव यू दोस्तों, बाय बाय।